विधानसभा चुनाव को लेकर दुमका जिला प्रशासन एक्शन मोड में है, जिसके तहत जिले के तमाम अंतर्राज्यीय सीमाओं में चेक पोस्ट लगाकर सख्ती से लगाकर लगातार वाहन चेक का अभियान चला किया जा रहा है ताकि चुनाव सही ढंग से संपन्न हो। उसी के तहत शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लोड़ी पहाड़ी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी प्रदीप कुमार मांझी के द्वारा बुधवार दोपहर को वाहन जाँच के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की पर 1,80,000 रुपये जब्त किए गए हैं। मौके पर दंडाधिकारी के अलावा शिकारीपाड़ा थाना के ASI सोमाय किस्कू के साथ पुलिस के जवान मौजूद थे। निकालते समय चेक करना था। पहाड़ी चेक पोस्ट पर जो हमारा SST दंडाधिकारी हैं प्रदीप मांझी और पुलिस बल और हम लोग FST टीम के जो दंडाधिकारी हैं, हमारे जो थाना प्रभारी हैं, इन लोगों ने जाँच सघन रूप से लोड़ी पहाड़ी चेक पोस्ट पर लगाया हुआ है और जो भी अंतर्राज्यीय सीमा चेक पोस्ट है उस पर लगाए हुए हैं। तो एक मोटरसाइकिल से अभी 1,80,000 रुपये राशि इंटरसेप्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग जिला स्तरीय टीम को सुपुर्द कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा था सर? पैसा रामपुर हाट से आ रहा था। बताया गया चालक द्वारा कि मजदूरी भुगतान के लिए, माइंस के मजदूरी भुगतान के लिए ले जा रहा है। किनके यहाँ से जब्त हुआ है, उनका नाम बताइए। ये जो है इदेल शेख हैं, दादपुर रामपुर हाट के, उनके वही ला रहे थे। तो सहारपुर में एक माइंस से उनके मजदूरी भुगतान के लिए ला रहे थे, उन्होंने बताया ही। तो उसको हम लोग इंटरसेप्ट किए और राशि को जो है हम लोग आगे कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं।